मांगों को लेकर सेवा सहकारी संस्था के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो हड़ताल करते रहेंगे। संयुक्त मोर्चा महासंघ के आह्वान पर पिछले 20 दिनों से सेवा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देवास सहकारी संस्था कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जवाल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नर्मदा तट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मां नर्मदा को चुनरी अर्पण की। मां नर्मदा से प्रार्थना की कि वो सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। जवाल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हड़ताल जारी रहेगी और कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। कामना करने आए हैं, नर्मदा मैया का पूजन करके माँ को चुनरी ओढ़ा के मैया से फिर निवेदन करने आए हैं कि सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें और इन शोषित पीड़ित जो कि जमीनी स्तर के काम करने वाले कर्मचारी जो 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए में अपना परिवार चलाने को मजबूर हैं, ऐसे सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें और इन कर्मचारियों की मांग पूरी हो और हमारा वेतनमान लागू हो और ग्रेड पे हमें मिले।